तेलंगाना हमारे देश में बना हुआ ये सबसे लेटेस्ट स्टेट है और बहुत तेजी से ये ग्रो हो रहा है। अलग अलग इंडस्ट्री को संभालते हुए तेलंगाना हमारे देश की इकोनॉमी का आगे चलकर फ्यूचर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग बन जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और चलिए देखते हैं कि स्टेट में किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं जो स्टेट की इकोनॉमी को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। पहली है मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, जब हमारे देश ने 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया था, उस टाइम पे मुंबई और हैदराबाद के बीच में भी ये प्लान सामने रखा गया था। आज इन दो शहरों के बीच में 711 किलोमीटर की दूरी है और इसे ट्रैवल करने के लिए 10 से 11 घंटों का समय लगता है। साथ साथ रेल और रोड दोनों से कनेक्टिविटी जो इस रूट पर है वो अच्छी खासी कंजेस्टेड है और कई बार आपको इससे भी ज्यादा समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दोनों शहरों के बीच में पहुंचने के लिए। इसी के लिए ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्लान किया गया है। इस रूट पे ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ पाएगी और ये पूरी की पूरी दूरी सिर्फ 2 घंटे में कवर हो जाएगी। इसके कारण दो महत्वपूर्ण सिटीज के बीच में हमारा डिस्टेंस ना सिर्फ कम होगा लेकिन अपॉर्चुनिटीज के लिए भी एक तरीके का रास्ता खुलेगा क्योंकि कनेक्टिविटी की इशू दूर हो जाएगी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो है टी हब फेज 2। दोस्तों 2015 में हैदराबाद में टी हब नाम के प्रोजेक्ट और एक बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया था जिसके अंदर हमारे देश में बन रहे अलग अलग स्टार्टअप अर्ली फेज कंपनीज को जगह दी गई थी, उन्हें इंक्यूबेट किया गया था ताकि अर्ली फेज में उनके डेवलपमेंट में मदद मिल सके। इसी के सक्सेस को लेकर टी हब 2 प्लान किया गया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बॉर्डर पे बनने वाला ये दुनिया का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हैदराबाद के 3 इंस्टीट्यूट जिसके अंदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज और गवर्नमेंट के साथ में मिलके इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये अपनी तरीके का दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर बनेगा और इसके अंदर 1000 स्टार्टअप्स को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की फैसिलिटी होगी। यहाँ पर 3.5 लाख स्क्वायर फीट जगह यूज करने के लिए अवेलेबल होगी और इसे बनाने के लिए 276 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके करंट स्टेटस की बात करें तो बहुत तेजी से इसका कंस्ट्रक्शन जारी है और इस साल के एंडिंग तक ये प्रोजेक्ट शुरुआती स्टार्टअप्स के इस्तेमाल के लिए खुल जाएगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। कुछ बड़ी इंटरनेशनल कंपनी जैसे फेसबुक भी इस प्रोजेक्ट से कुछ तरीके से जुड़ी हुई है और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में आप ये उम्मीद कर सकते हो कि जो भी इनिशियल फेज में स्टार्टअप्स आज तेलंगाना में और दूर देश में मौजूद है उन्हें एक बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर मिलेगा अपनी ग्रोथ के लिए। बढ़ते दोस्तों अगले प्रोजेक्ट की तरफ जो है काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क जो वारंगल में बन रहा है। दोस्तों वारंगल डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं और उनमें से ये एक है। 3000 एकड़ में फैला हुआ ये मेगा टेक्सटाइल पार्क एक एंड टू एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इन्होंने खुद के स्टेटमेंट में ये कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। आज इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 22 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं और 3900 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी जगह पर देखे गए हैं। इसके साथ साथ उम्मीद ये गई है कि अगले 4 से 5 साल में टोटल 9000 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट इस पार्क में दिखेगी और टोटल 75000 जॉब्स डायरेक्टली इस पार्क में क्रिएट होगी जबकि 25000 इनडायरेक्ट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होगी। इस पूरे पार्क को 10 यूनिट्स में बांटा गया है जिसके अंदर अलग अलग तरीके की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी और बड़े पैमाने पे बहुत लार्ज स्केल टेक्सटाइल कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही है। मेगा टेक्सटाइल पार्क में इनिशियल काम इस साल के अंत दिसंबर में पहले प्लांट शुरू होने की उम्मीद बताई गई है और जो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। इसके बाद वाला प्रोजेक्ट भी इसी तरह पे है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल में है जो है हैदराबाद फार्मा सिटी। दोस्तों आप में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा लेकिन दुनिया भर के 80% बल्क ड्रग्स जो है वो हैदराबाद में बनते हैं और हैदराबाद को इंटरनेशनली दुनिया का वैक्सीन कैपिटल भी माना जाता है। इसके कारण आप ये समझ सकते कितनी बड़ी मेडिकल और फार्मा इंडस्ट्री हैदराबाद में मौजूद है। इसी पोजीशन को बनाए रखने के लिए और इसमें और मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने के लिए 2018 में हैदराबाद में फार्मा सिटी प्लान की गई थी। दोस्तों ये ग्रीन फील्ड सिटी है जो मेन अर्बनाइज्ड एरिया के बाहर मौजूद होगी और इसके लिए 19,333 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है जो एक बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन या NMIZ की परमिशन भी मिल चुकी है जिसके कारण यहाँ पर ये बहुत अलग अलग तरीके के फैसिलिटीज और पॉलिसी चेंजेस प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए।
साथ साथ इस प्रोजेक्ट को एक तरीके का पुश देने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जिसका नाम है हैदराबाद फार्मा सिटी लिमिटेड। और यहाँ पर इस सिटी में 350 कंपनीज ने गवर्नमेंट को ऑलरेडी अप्रोच किया है जमीन के लिए, जिसमें से 150 कंपनीज को ऑलरेडी जमीन एलोकेट हो चुकी है। इस सिटी में बड़े बड़े नाम जैसे बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी, नोवार्टिस, इन जैसे दुनिया के सबसे बड़े लीडिंग ड्रग मैन्युफैक्चरर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से जैसे नाम शामिल है। फार्मासिटी के बनने के बाद में इंडिया, जो ऑलरेडी पूरी दुनिया की फार्मेसी के नाम पर जाना जाता है, उसका पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगा और ये पूरे दुनिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एपिसेंटर बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हैदराबाद मेट्रो की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी फंक्शनल एक मेट्रो सिस्टम है और ये देश की पहली मेट्रो सिस्टम थी जिसके अंदर CBTC सिग्नलिंग सिस्टम का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। और हैदराबाद मेट्रो इंडिया की पहले केपेबल मेट्रो थी जो ड्राइवरलेस तरीके से चल सकती थी। इसी के एक्सपांशन का काम भी जारी है। और इसके अलावा तेलंगाना में कई सारे और प्रोजेक्ट्स का काम जारी है जिसके अंदर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तौर पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा TRK रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जिसके अंदर मल्टीपल रिंग रोड्स अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वारंगल एयरपोर्ट, वारंगल स्मार्ट सिटी एक्सपांशन, हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सपांशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हैदराबाद रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, SLBC जो दुनिया की सबसे लंबी इरीगेशन टनल है 44 किलोमीटर लंबी। इसके अलावा कमलेश्वरम इरीगेशन प्रोजेक्ट जो एक बहुत बड़ी स्केल का इरीगेशन प्रोजेक्ट है, करीम नगर केबल स्ट्रीट ब्रिज, खम्बम देवरापल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो एक एक्सेस कंट्रोल्ड 8-लेन एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा देवधुला लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जो फिर से वन ऑफ द बिगेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट होगा पूरे देश में। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस सेंटर जो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसके अंदर यहाँ के लोगों को एक वर्ल्ड क्लास जगह मिलेगी अपना काम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली करने के लिए। इसके अलावा हैदराबाद विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट जो है, इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है अपने मिडल के काम में है, कुछ प्रपोज्ड है और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अपने एंडिंग फेज में पहुँच चुके हैं और कुछ तो पार्टली फंक्शनल भी है। इन प्रोजेक्ट्स के बनने के बाद में हमारे देश का सबसे नया स्टेट तेलंगाना ना सिर्फ बहुत जल्द हमारे देश के मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट में से बन जाएगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा बाकी भी स्टेट्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको अपने स्टेट की वीडियो देखनी है तो आप भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर अगर आपका स्टेट अब तक नहीं आया है तो अगले कुछ दिनों के अंदर वो वीडियोस भी आ जाएगी। और बस मिलेंगे अगले वीडियो में।